हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सदिश समाकलन की सदिशों का गुणांक डॉट गुणांक कैसे करना और क्रॉस गुणांक कैसे करना, ये वाले क्वेश्चन इस बेस्ड पर हैं जो कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अपना, यदि ए ऑफ टी इज इक्वल टू टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी माइनस वन के कैप तथा बी ऑफ टी इज इक्वल टू टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस सिक्स 60 के कैप, तो दर्शाइए कि फर्स्ट में अपन को ये वाला सिद्ध करना है कि इंटीग्रेशन 0 to 1 ए बी डी टी इज इक्वल टू -1/2। सेकेंड में अपन को करना है इंटीग्रेशन 0 to 1 ए क्रॉस बी डी टी इज इक्वल टू -3/2 आई कैप -13/6 जी कैप +2/5 के कैप। थर्ड में अपन को करना है सिद्ध इंटीग्रेशन 0 to 2 और ए क्रॉस बी डी टी इज इक्वल टू -24 आई कैप -40/3 जे कैप +64/5 के कैप। ठीक है, ये अपन के क्वेश्चन अपन को सिद्ध करना है। तो वीडियो के आप लोग के लिए एंड तक बने रहिएगा एंड वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। और बीएससी फर्स्ट ईयर के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट बाय यूनिट। ठीक है, सबसे पहले अपन को जो दिया है वो लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। ए ऑफ टी इज इक्वल टू दिया हुआ है टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी -1 के कैप। ठीक है, और बी ऑफ टी इज इक्वल टू दिया है अपन को टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 60 के कैप। ठीक है, अपन को ये दिया है। अब देखो, अपन को सबसे पहले कंडीशन क्या सिद्ध करनी है, इंटीग्रेशन 0 to 1 ए डॉट बी डी टी, यानी सबसे पहले अपन ए डॉट बी निकालते हैं। डॉट गुणा कैसे करते हैं ये देखते हैं, टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी -1 के कैप। ठीक है, इंटू बी, अपन को बी की वैल्यू रखनी बी ऑफ टी की, तो टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 60 के कैप। अब यहाँ पे जे वाला पद नहीं है, ठीक है, डॉट गुणा में देखो आई कैप और आई कैप वाले का कर देते, टू टी स्क्वायर इंटू टी, यानी टू टी रेस टू दी पावर 3 हो जाएगा, प्लस जे वाला इसमें नहीं है तो जे वाला पद 0 हो जाएगा, प्लस टी -1 के कैप वाले देखते, टी -1 में अपन को 60 का गुणा करना है, टी -1। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, टू टी रेस टू दी पावर 3 प्लस 60 स्क्वायर -60, ये हो गया अपन का ए डॉट बी। अपन को क्या चाहिए, इंटीग्रेशन 0 to 1 यानी लिमिट अप्लाई करनी है और अपन को सिद्ध करना है -1/2। जीरो इंटीग्रेशन 0 to 1 ए डॉट बी डी टी इज इक्वल टू अपन को -1/2 चाहिए, यानी अपन को यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर लिमिट अप्लाई कर देते। ए डॉट बी की वैल्यू अपनी 2t रेस टू दी पावर 3 प्लस 60 स्क्वायर -60 डी टी, टी के सापेक्ष करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं तो अपना आएगा 2t रेस टू दी पावर 4 अपॉन 4, और इसका करेंगे तो 60 रेस टू दी पावर 3 अपॉन 3 आ जाएगा, इसका करेंगे तो -60 स्क्वायर अपॉन टी आ जाएगा, और लिमिट अपन को 0 to 1 रखनी है। ठीक है, पहले अपन 0 रखते तो लिमिट अप्लाई करते हैं, 1 रखते हैं और 0 रखेंगे तो पूरे 0 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे यहाँ 0 तो ये 0, पहले अपन 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, टी के स्थान पर उनको 1 रखना है, 1 के ऊपर 4 की पावर रहेगी तो 1 ही आएगा, यानी 2/4 प्लस 6/3 -6 वाई, यहाँ पर अपना 60 स्क्वायर अपॉन 2 है, ठीक है, 6/2 ही आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, अपन ने जब 1 लिमिट रखी थी के स्थान पे 1 रखा तो अपना ही आ जाएगा। अब इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 तीन 6, यानी अपना क्या आ गया 1/2 प्लस 2 -3। ठीक है, इनका एलसीएम लेके करेंगे तो अपना आ जाएगा -1/2, ये आ गया अपन का आरएचएस। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने प्रूव्ड कर दिया 0 to 1 ए डॉट बी डी टी, ये हो गया अपन की फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट। अब सेकंड कंडीशन अपन को सिद्ध करनी है, यहाँ पे सेकंड में अपन को क्या चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए है,
क्योंकि अपन को 0 to 1 ए क्रॉस बी डी टी निकालना है, इसलिए -3y2i कैप अपन को ये सिद्ध करना है। तो ठीक है, इसके बराबर ये, तो अपन को सबसे पहले क्या चाहिए पड़ेगा, ए क्रॉस बी यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए की वैल्यू थी अपनी टी आई कैप माइनस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी माइनस वन के कैप क्रॉस मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू थी अपनी 2t² प्लस 6t के कैप। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं आप लोग देख सकते हो, 11th 12th में भी किया था, आई जे के को इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, इसकी इसके जो मान रहे थे वो रखते हैं, सबसे पहले आई के इस तरह आई आई के साथ टी है, इसके साथ अपना -t² है, इसके साथ अपना टी माइनस वन है। ठीक है, और इसका है अपना 2, जे वाला पद नहीं है तो ये 0 और 6t। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले आई के लिए करेंगे तो ये वाला बंद हो जाएगा और ऊपर वाला, तो क्या आ जाएगा अपना -t² का 6t में होगा, यानी -6t^3 -0 आ जाएगा क्योंकि 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, माइनस जे कैप, अब जे वाले को बंद करेंगे 6t और टी का, तो क्या आ जाएगा 6t² माइनस 2t माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस के कैप, अब के वाला पद लेंगे ये वाला, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस 2t² आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अपना 2t² लेंगे क्योंकि आई कैप का गुणांक अपने 2t² है। ठीक है, तो यहाँ पे 2t² का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2t² का, जब इसमें करेंगे कि वाले पद को बंद करेंगे, 2t² को t² में करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 2 माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा 2t^4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे अपने 2t² का मल्टीप्लाई करना है। ठीक, करते हैं तो अपन आई कैप -6t^3 माइनस जे कैप 6t² माइनस 2t² का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2t^3 माइनस माइनस का प्लस 2t² आ जाएगा। इसका करेंगे तो प्लस के कैप यानी 2t^4। आगे करते हैं, तो -6t^3 आई कैप माइनस जे कैप 6t² और 2t² यानी 8t² आ जाएगा, 2t^3 प्लस 8t² प्लस 2t^4 के कैप आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपनी ए क्रॉस बी की मल्टीप्लाई आ गया, अपन को कुछ चाहिए क्या था, इंट्रीगेशन, आप इंट्रीगेशन लगाते हैं 0 to 1 ए क्रॉस बी डी टी, यानी इंट्रीगेशन करके अपन को लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, तो इसमें करते हैं अपन लिमिट अप्लाई, इंट्रीगेशन 0 to 1 -6t^3 आई कैप माइनस जे कैप -2t^3 प्लस 8t² प्लस 2t^4 के कैप अपना ये डी टी। ठीक है, इंट्रीगेशन करते हैं, सबका अलग अलग भी कर सकते हैं आप लोग, इंट्रीगेशन सबसे पहले इसका करते हैं। ठीक है, तो सिक्स आई कैप अपन आगे ले लेते हैं, माइनस इसका करेंगे 0 to 1 t^3 डी टी, सबको अलग अलग ले लेते हैं। ठीक है, इसको जे कैप 0 to 1 -2t^3 प्लस 8t² 2 के कैप को बाहर ले लेते हैं, इंट्रीगेशन 0 to 1 t^4 डी टी, करते हैं इंट्रीगेशन सबका, तो -6i कैप t^4 अपॉन 4 आ जाएगा और लिमिट अपनी 0 से 1 रहेगी, माइनस जे कैप इसका करेंगे तो अपना -2t^4 अपौन 4 प्लस 8t^3 अपॉन 3 लिमिट रहेगी अपनी 0 से 1 2 के कैप, यहाँ पे अपना t^5 आ जाएगा अपॉन 5 इंट्रीगेशन करेंगे तब। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करते हैं, सब पहले अपन 1 लिमिट रखेंगे फिर 0 रखेंगे तो वो तो सब 0 हो जाएंगे, तो अपन को 0 वाली लिमिट नहीं रखने हैं, -6i t^4 यानी टी के स्थान पे 1 रखेंगे तो अपना 1/4 ही आएगा। ठीक है, माइनस जे कैप, यहाँ पे भी t = 1 रखना है तो यानी कि -2/4 आएगा, -2/4 प्लस 8, यहाँ पे भी 1 रखेंगे तो अपना 8y³ आ जाएगा प्लस 2k कैप, यहाँ पे भी रखेंगे तो अपना 1/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे काट देते, जो काटे 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 यानी कि अपना क्या आ जाएगा -3i कैप आ जाएगा अपॉन में अपना 2। ठीक है, माइनस जे कैप,
यहाँ पे भी दो एकम दो, दो दूनी चार, यानी कि अपने क्या जाएगा माइनस वन बाई टू प्लस एट बाई थ्री प्लस टू अपॉन फाइव के कैप। अब इसको यहाँ पे हल कर देते हैं तो अपना माइनस थ्री बाई टू आई कैप माइनस जे कैप, इसका एलसीएम ले लेंगे तो अपना सिक्स आ जाएगा और माइनस थ्री प्लस के एट आ जाएगा। ठीक है, करते हैं दो तीन छः यानी रन के तीन आ जाएगा और तीन दो आठ दूनी सोलह आ जाएगा यहाँ पे प्लस टू बाई फाइव के कैप, अपना ये आंसर हो जाएगा। अपन को यही सिद्ध करना था, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन माइनस थ्री बाई टू आई कैप माइनस थर्टीन प्लस सिक्स, थर्टीन अपॉन सिक्स, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस का ही है तो माइनस रहेगा जे कैप प्लस टू वाई फाइव के कैप। ये अपन का यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, दो दो अपन के कंडीशन सिद्ध हो गए। अब थर्ड कंडीशन पे चलते हैं जिसमें अपन को लिमिट जीरो से टू रखनी है ए क्रॉस बी में। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे तो क्या जाएगा माइनस सिक्सटी रेज टू द पावर फोर अपॉन फोर, अपना ये आई कैप बाहर ले लेते हैं, इसकी लिमिट हो जाएगी जीरो से टू, माइनस जे कैप को बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा अपना माइनस टू टी रेज टू द पावर फोर अपॉन फोर प्लस एट टी रेज टू द पावर थ्री अपॉन थ्री, जब इंटीग्रेशन करेंगे और अपनी लिमिट जीरो से टू रहेगी। यहाँ पे भी टू टी रेज टू द पावर फोर यानी फाइव अपॉन फाइव इंटीग्रेशन करेंगे तो और अपना ये के कैप रह रहा है साथ में और जीरो से टू लिमिट रहेगी। ठीक है, इंटीग्रेशन तो आ जाएगा ना। अब देखो माइनस सिक्स आई कैप ये बाहर ही लेते हैं, टू लिमिट रखेंगे, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह, सोलह बटे चार आ जाएगा जब लिमिट रखेंगे, दो लिमिट रखेंगे और जीरो रखेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा तो अपन का माइनस जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं, इसलिए यहाँ पे भी अपन ऐसे कर देंगे जे कैप माइनस टू टी रेज़ टू द पावर फोर यानी दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह बटे चार आ जाएगा धन आठ टी रेज़ टू द पावर थ्री यानी दो दूनी चार दूनी आठ, आठ अठे चौंसठ बटे तीन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अपना टू के कैप बाहर लेना है और टी की वैल्यू टू रखेंगे तो दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह दूनी बत्तीस हो जाएगा, यानी कि बत्तीस बटे पाँच आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, दो दूनी चार दो तीन छः दो एकम दो, दो अट्ठे सोलह यानी आठ त्री चौबीस आई कैप माइनस में अपने। ठीक है, माइनस जे कैप इसका भी यहाँ पे दो दूनी चार हो जाएगा, दो अट्ठे सोलह यानी कि ऋण के आठ आ जाएंगे यहाँ पे धन चौंसठ बटे तीन रहेगा यहाँ पे धन टू के कैप यहाँ पे अपना बत्तीस बटे पाँच। ठीक है, अब चलो करते हैं सॉल्व आगे, तो अपना ये माइनस ट्वेंटी फोर आई कैप जो करते हो यहाँ पे कर देते हैं तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे थ्री अठे चौबीस, चौबीस और चौंसठ, चौंसठ में से चौबीस जाएंगे अपने चालीस बचेंगे, चालीस जे कैप प्लस बत्तीस दूनी दो दूनी चार हो जाएगा, बत्तीस दूनी चौंसठ बटे पाँच के कैप, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये अपन को सिद्ध करना था। देखो तो तीनों क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे सॉल्व कर दिए, तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।